हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है वल्चर्स के बारे में। वल्चर्स क्या हैं, जिनको आप गिद्ध बोलते हैं, राइट? इनका जो पॉपुलेशन है नीलगिरी एरियाज जो है, नीलगिरीज ये जो माउंटेन रेंज है, आपको पता है कि वेस्टर्न घाट में आती है ये, और तमिलनाडु कर्नाटका केरला की जो बाउंड्री है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। इस एरिया में जो ये गिद्ध हैं, इनकी जो संख्या है, इनकी जो पॉपुलेशन है, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि थोड़े समय पहले वल्चर्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट होने की नौबत इनकी आ गई थी, लेकिन हमने इनकी पॉपुलेशन को फिर से रिवाइव कर लिया है। लेकिन फिर भी काफ़ी सारी थ्रेट्स जो हैं वल्चर्स के लिए वो बनी हुई हैं। वो क्या हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। आज किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं और एग्जाम के लिए कैसे रेलेवेंट है ये आपके लिए, मेंस पेपर 3 में कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, यहाँ पे ये टॉपिक आपका कवर होगा। ऑब्जेक्टिव लेवल पे कंजर्वेशन स्टेटस वल्चर्स का क्या है, और सब्जेक्टिव लेवल पे कौन कौन सी और थ्रेट्स हैं वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन के लिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हर एनिमल की इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और वल्चर्स की तो खास तौर पे इम्पोर्टेंस है, बिकॉज ये किस पे फीड करते हैं, कैरकासेस पे, यानी जो शव जो जानवर मर जाते हैं उन पे फीड करते हैं। तो क्लीनिंग के लिए, क्लीन्जर्स भी इनको इन्वायरमेंट के लिए या इकोसिस्टम के लिए बोला जाता है, तो इनकी पॉपुलेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए किस कॉन्टेक्स्ट में आज बात कर रहे हैं, क्योंकि जो पॉपुलेशन है ये गिद्ध की, वल्चर्स की, ये नीलगिरीज में 26% इंक्रीज़ हुई है 2012 से अगर हम देखें तो। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो मेजर थ्रेट्स हैं वो प्रिविलेंट हैं इनके लिए इस रीजन में, क्योंकि जो डेलिब्रेट पॉइजनिंग होती है, जैसे कई बार जैसे काउज हो गई, बॉफलोज हो गई, राइट, ये बहुत बीमार हो जाती हैं, तो जो लोग इनको पाल रहे होते हैं उनके पास सफिशिएंट पैसे नहीं होते कि वो इनका ध्यान रख सकें और इनकी बीमारी पे पैसा खर्च सकें, तो वो इनको जहर दे देते हैं मारने के लिए। तो जब ये जानवर मर जाते हैं, काउ बफेलोज, तो वल्चर्स इन पर फीड करते हैं। लेकिन अब काउज और बॉफलोज को मारने के लिए क्या यूज़ किया गया है, पॉइजन यूज़ किया गया है, या फिर कुछ इस तरह के ड्रग्स यूज़ किए गए हैं कि जिससे वो मर जाएं। तो जब वल्चर्स इन पे फीड करते हैं तो वो जहर वल्चर्स के अंदर भी चला जाता है, तो अल्टीमेटली वल्चर्स भी जो हैं वो मर जाते हैं, जिनसे उनकी पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है। तो ये थ्रेट्स आज भी इनके लिए बनी हुई हैं। अब हम नीलगिरी अगर एरिया देखें तो जस्ट इस स्पॉट में आपको शो करना चाहती हूँ कि वेस्टर्न घाट्स में ही आता है नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट, है बेसिकली एक, और माउंटेन रेंजेस हैं यहाँ पे, जो आपके कौन से बॉर्डर पे आ रहा है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर्स पे आप ये देख सकते हैं माउंटेन रेंजेस। इस एरिया में वल्चर्स की बात हम कर रहे हैं। अब देखिए वल्चर्स इन नीलगिरी में बात करते हैं, 2012 से जो नंबर है वल्चर्स का वो कितना था, 152 इंडिविजुअल्स थे। जैसे बहुत फेमस है यहाँ पे एक वल्चर, उसका नाम है, बहुत तरह के वल्चर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ हैं इनकी, वाइट रम्प्ड वल्चर जो है वो एशियन किंग, उसके बाद आता है आपका एशियन किंग वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर, राइट, ये सब यहाँ पे नीलगिरी वाले एरिया में पाए जाते हैं। और यहाँ पे हम 2012 से बात कर रहे हैं कि इनकी पॉपुलेशन हर साल बढ़ी है, 2012 से 2014 तक इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, लेकिन 2016 में एकदम से इनकी पॉपुलेशन में हमने क्रैश देखा कि इनकी पॉपुलेशन कम होने लग गई, डिक्लाइन होने लग गई, लेकिन फिर से 2018 में फिर से रिकवर हुई, 152 थे 2012 में, और 2018 आते आते 192 इंडिविजुअल्स जो हैं वल्चर्स के वो इंक्रीज़ हो गए। अब देखिए ये जो तीन स्पीशीज़ हैं वल्चर्स के, ये ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली कहाँ पाए जाते हैं, मधुमलाई और साथ्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो हैं साउथर्न इंडिया में, वहाँ पे। और इनको ये तीन स्पीशीज छोड़ के और भी वल्चर की स्पीशीज़ हैं, जैसे सिनरस वल्चर है, हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर है, इजिप्शियन वल्चर है, ये भी नीलगिरीज में हर साल जो है कभी ना कभी
पाए जाते हैं। तो ये बात कर रहे थे हम कौन कौन से स्पीशीज नीलगिरीज में पाई जाती हैं और किस तरह से इनका नंबर 2012 से इंक्रीज हुआ, फिर डिक्लाइन हुआ, लेकिन 2018 आते आते 192 इनका नंबर पहुंच गया था। लेकिन अब हम बात करते हैं थ्रेट्स की, कि ड्रग थ्रेट की यहाँ पे सबसे बड़ी हम बात करेंगे कि किस तरह से कुछ मेडिसिन, कुछ ड्रग्स इनके लिए खतरा बने हुए हैं। देखिए, जब से जो वल्चर पॉपुलेशन है अक्रॉस वेस्टर्न घाट्स अगर हम बात करें और रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करें, 1990s में काफ़ी डिक्रीज हो गई थी, एकदम से सडन डिक्लाइन जो है 1990s में इनकी पॉपुलेशन में देखा गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा मॉनिटर, सस्टेन मॉनिटरिंग करी गई इनकी पॉपुलेशन की, कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाए गए और फिर जाके अराउंड 10 साल में 1990s से 2000 की बात कर लीजिए, इतने एफर्ट्स लगाने के बाद हम इनकी पॉपुलेशन को रिकवर कर पाए। अब देखिए यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोफेनाक, ये एक दवाई का नाम है, एक ड्रग है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी पेन किलर्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। इस तरह के और भी ड्रग्स जो हैं, जो कि 2008 में बहुत सारी स्टडीज ने रिपोर्ट किया और वर्कशॉप्स पे भी बताया गया कि इन ड्रग्स का बहुत असर जो है वो वल्चर्स पे देखा जा रहा है। उसके बाद बहुत सारी वर्कशॉप्स हुई, लोगों को वहाँ पे भी बताया गया कि नीलगिरीज और कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है, 2011 और 15 में बहुत सारी वर्कशॉप्स में लोगों को अवेयर किया गया जो कि इन ड्रग्स का असर जो है वो वल्चर्स पे देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे पहले 2015 से पहले नीलगिरीज और कोयम्बटूर में इन एरियाज में वल्चर्स पाए जाते हैं, लेकिन इन ड्रग्स का खास असर वहाँ पे नहीं देखा गया था। जैसे कि रेस्ट ऑफ इंडिया में इन इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, स्पेशली डाइक्लोफेनाक, निम्सुलाइड्स, फ्लुनिक्सिन, इनका बहुत ज़्यादा थ्रेट पहले नीलगिरीज में नहीं था, लेकिन अब ये थ्रेट बना पड़ा है। यहाँ पे देखिए, नीलगिरीज में इन चीज़ की थ्रेट क्यों नहीं थी कंपैरिजन अगर हम नॉर्थ इंडिया से कंपेयर करें, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में क्या है कि बीफ कंजम्पशन जो है साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो कैटल हाउसेज में, स्लॉटर हाउसेज में जो बीफ की डिमांड रहती थी, तो जो कैटल था उसको वहाँ पे बेच दिया जाता था, तो उसको पॉइजन करने की या ड्रग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ये भी एक रीज़न था कि लोग एक्सपेंसिव ड्रग्स नहीं खरीदते थे कि वो एनिमल्स को ज़िंदा रखें जब वो बीमार हो जाएं। कैटल को सिर्फ स्लॉटर हाउस में, अगर कैटल काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती थी तो उसको स्लॉटर हाउस में भेज दिया जाता था। लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया जो लैंडस्केप्स हैं वहाँ पे, जहाँ पे बीफ की कंजम्पशन इतना ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे कैटल को ज़िंदा रखने के लिए इन एक्सपेंसिव ड्रग्स का यूज़ किया जाता है और अल्टीमेटली एंड में जब कैटल जो है वो मर जाती है तो वल्चर्स उस पर फीड करते हैं, और अगर वल्चर्स फीड करते हैं तो ये ड्रग्स का असर सीधा वल्चर्स पे देखा जाता है। आई होप ये आपको डिफरेंस समझ आया होगा कि पहले एक बड़ी थ्रेट नीलगिरीज में ये ड्रग्स जो है वो नहीं माने जाते। अब इस पूरी चीज़ का एक रेजोल्यूशन देखिए वो क्या हो सकता है। एक तो एनिमल हस्बेंड्री, जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, उनको ये काम करना पड़ेगा कि ये जो ड्रग्स हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इनको रोकना पड़ेगा कि जब कैटल बीमार है या उनकी बीमारियां ठीक करने के लिए जिनसे वल्चर की पॉपुलेशन पे फ़र्क पड़ रहा है, एटलीस्ट ये दवाइयां ना दें, इनके कोई सब्स्टिट्यूट दें। तो इससे एटलीस्ट हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये जो वल्चर्स हैं इनकी मृत्यु जो है वो स्क्वैंचिंग, जब भी कारकेसेस हो गए आपके शव, राइट, जो डेड बॉडीज होती हैं उन पे फीड करने से इनकी मृत्यु, जो डाइक्लोफेनाक का रेजिड्यू रहता है शव में, उसकी वजह से नहीं हो रही। अब थोड़ा सा हम रिवर्स करते हैं कि किस तरह से हमने एफर्ट्स लगाए हैं वल्चर्स की पॉपुलेशन को रिकवर करने के लिए। तो देखिए, एक बार कुछ साल पहले 8 कैप्टिव क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाइट बैक्ड वल्चर्स थे, वाइट बैक्ड वल्चर्स थे, उनको ट्रैकिंग डिवाइसेस लगा के रिलीज किया गया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हो रही थी, तो जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर था और इनको वीर शिकारगाह सेंचुरी में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है उसके द्वारा एक वल्चर सेफ जोन डिसाइड किया गया, और इसकी ट्रांसबाउंड्री जो है आपकी वो हिमाचल प्रदेश तक जाती है, वहाँ पे इन वल्चर्स को रिलीज करने के लिए सोचा गया। तो यहाँ पे यही देखा गया कि अगर ट्रैकिंग डिवाइसेस इन पे लगाए गए, हम ट्रैक कर सकते हैं कि वल्चर कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो अगर देखा गया कि अगर इनकी डेथ जो है किसी टॉक्सिसिटी से नहीं होती, स्पेशली ये जो 8 बर्ड्स हैं 2 साल में, तो उसके बाद 20 से 25 बर्ड्स जो हैं वो हर साल रिलीज किए जाएंगे, छोड़े जाएंगे। तो देखिए, इनका कंजर्वेशन स्टेटस
क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, काफ़ी जगह थ्रेटेंड है. तो सेम चीज़ साउथ एशिया में नेपाल में भी डिसाइड की गई कि ये जो वल्चर्स हैं इनको कैसे कंजर्व करना है और कब कब रिलीज करना है. नेपाल ने भी सेम चीज़ 2017 में की. देखिए 2001 में एक जॉइंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था हरियाणा द्वारा और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS द्वारा, कि मैसिव डिक्लाइन जो है ये तीन तरह की क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो वल्चर्स हैं इंडिया में वो क्यों हो रहा है. क्योंकि भारत में अराउंड 9 स्पीशीज़ जो हैं वल्चर्स की वो पाई जाती हैं, जिसमें आपका वाइट बैक, लॉन्ग बिल, खैर उनका नाम याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है. लेकिन एक डिक्लाइन जो देखा गया, ये स्टडीज़ तभी शुरू कर दी गई थी और मेन रीज़न इनके डिक्लाइन का यही पाया गया जो ड्रग है डाइक्लोफिनैक. और 2006 में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने वेटनरी यूज़ जो है वो बंद भी कर दिया था डाइक्लोफिनैक का. अब हम बात करते हैं वल्चर के बारे में, गिद्ध के बारे में, कि ये जानवर क्या है. क्वेंजिंग बर्ड ऑफ प्रे, यानी ये मरे हुए जानवरों पे फीड करता है. दो टाइप्स हैं वल्चर्स की. एक आते हैं आपके न्यू वर्ल्ड वल्चर्स जो कैलिफोर्निया और एंडियन कॉन्डोर्स में पाए जाते हैं. एक आते हैं आपके ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स, जहाँ पे वो वल्चर्स होते हैं जो स्क्वेंजिंग यानी जो शव होते हैं डेड एनिमल्स के उन पे फीड करते हैं. ये ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स आपके अफ्रीकन प्लेन्स में यूजुअली पाए जाते हैं. स्क्वेंजर्स का मतलब ही यही होता है, जो जानवर मरे हुए जानवर्स पे फीड करते हैं. और ये हेल्दी एनिमल्स पे बहुत रेयरली अटैक करते हैं, शायद कभी अटैक करें अगर वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो या फिर बीमार हो. देखिए ग्रुप ऑफ, यहाँ पे एक इंग्लिश का वर्ड मैं आपको बताती हूँ, ग्रुप ऑफ वल्चर्स, अगर बहुत सारे वल्चर्स एक साथ हों तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैटल. ओके, ये वर्ड आप याद रख सकते हैं, उसको बोलते हैं कैटल. उसको कमेटी भी बोला जाता है, COMMITTEE, कमेटी भी बोला जाता है और उसको वेक भी बोला जाता है. राइट, ग्रुप ऑफ, राइट. अगर बहुत सारी फिशेस साथ हो तो हम बोलते हैं, ओके फिशेस का आप मुझे बताएंगे क्या बोला जाता है. राइट, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वल्चर को कैटल, कमेटी या वेक कहते हैं. अब कैटल स्पेशली उन वल्चर्स को बोला जाता है जो फ्लाइट में हों, बहुत सारे वल्चर्स इकट्ठे उड़ रहे हों. कमेटी बोला जाता है जब वो ट्रीज के ऊपर बैठे हों या फिर ग्राउंड में हो, ग्राउंड के ऊपर हों. और वेक बोला जाता है जब ये एक साथ कुछ खा रहे हों, फीड कर रहे हों. राइट, तो ये तीन टर्म्स यूज़ की जाती हैं, तो इसको आप अपनी इंग्लिश वोकैबलरी में ऐड कर सकते हैं. अब हम अगर बात करें इसके कंजर्वेशन स्टेटस की, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये काफ़ी जगह थ्रेटेंड है कुछ देशों में और कहीं जगह क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. साउथ एशिया में वल्चर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मेनली भारत में और नेपाल में. लेकिन जैसे मैंने बताया 1990s में बहुत डिक्लाइन हुए, फिर इंक्रीज हुआ. रीज़न डाइक्लोफिनैक था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नेपाल ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए इनकी पॉपुलेशन को रिवाइव करने के लिए. लेकिन अफ्रीका और यूरेशिया में भी बात करें तो इनकी पॉपुलेशन काफ़ी थ्रेटन है. वहाँ पे भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से पॉइजनिंग एंड विंड एनर्जी जो है, विंड मिल से उड़ते हैं, टकराते हैं और ये मर जाते हैं. तो विंड एनर्जी भी एक मॉर्टेलिटी का रीज़न इनका बना पड़ा है. 22 वल्चर स्पीशीज़ पाए जाते हैं दुनिया में, उनमें से 9 जो हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, 3 जो हैं वो एंडेंजर्ड हैं और 4 जो हैं वो ऑलमोस्ट थ्रेटेंड हैं और उसके बाद 6 जो हैं वो एटलीस्ट लीस्ट कंसर्न में हैं. राइट, तो आप देख सकते हैं ये इनका कंजर्वेशन स्टेटस है, क्योंकि ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर वल्चर का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो जाएगा, कम हो जाएगा, उससे डिजीज़ ट्रांसमिशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. क्योंकि कारकेसेस पे फीड कौन करेगा, रिसोर्सेज आपके डैमेज होंगे. क्योंकि अगर आपकी पॉपुलेशन डिजीज़ वेक्टर या पेस्ट पॉपुलेशन, एनिमल पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो ऑब्वियसली उन पे कोई फीड करने के लिए नहीं है, तो डिजीज़ेस फैलेंगी. क्योंकि वल्चर्स जो हैं वो इस तरह के पेस्ट को कंट्रोल करते हैं और ये जो डिजीज़ वैक्टर्स हैं इनडायरेक्टली इनको, जब वो जो ये आपके कैरकेसेस हैं, शव है, इन पे फीड करते हैं, तो इनडायरेक्टली पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं और डिजीज़ वेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं. एक बहुत ही वल्चर्स को लेके एक बुरा इंसिडेंट देखा गया था रिसेंटली ही, 20 जून 2019 को बोट्सवाना में. राइट, बोट्सवाना आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पे है. मैं बताती हूँ कि क्या देखा गया था. अराउंड 537 वल्चर्स जो हैं वो मरे हुए पाए गए. इनमें से
वाइट बैक्ड वल्चर्स भी थे, इनमें 17 वाइट हेडेड वल्चर्स भी थे और बोट्सवाना नदरन बोट्सवाना में पाए गए। हुआ क्या था कि ये वल्चर्स जो हैं 3 एलिफेंट की डेड बॉडीज थी उस पर फीड कर रहे थे और ये जो एलिफेंट्स थे इनको पॉइजन करके मारा गया था पोचर्स के द्वारा। तो जब ये पॉइजन अल्टीमेटली पॉइजन्ड एलिफेंट्स पे इन्होंने फीड किया तो ये पॉइजन वल्चर्स के अंदर भी गया और वो मर गए। तो अराउंड आप देख सकते हैं 537 वल्चर्स जो हैं वो मारे गए। और भारत में तो वल्चर क्राइसिस काफ़ी समय से है, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन का खतरा है इनको। फिर से एक बार डिस्कस करते हैं कि अगर वल्चर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाए तो क्या होगा। आपका ड्रिंकिंग वाटर जो है वो गांव में कंटेमिनेट हो सकता है क्योंकि डेड बॉडीज़ ऐसे पड़ी रहेंगी। एनिमल्स के रेबीज़ एंथ्राक्स प्लेग जो है इस तरह की डिजीज़ फैलने का डर रहता है। और अगर वल्चर की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो जिस पे वल्चर फीड करते हैं जैसे रैट हो गया या वाइल्ड डॉग हो गया, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर बनाया था। देखिए इंडिया में 18 मिलियन वाइल्ड डॉग्स हैं, सबसे ज़्यादा नंबर है किसी भी देश में, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है कार्निवोर्स की दुनिया में ये। अब फेरल डॉग्स जो हैं अगर वो इंक्रीज़ होंगे तो लेपर्ड जो हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे क्योंकि वो फेरल डॉग्स का शिकार करते हैं और इनहेबिटेड एरियाज़ में घुस आते हैं फेरल डॉग्स का पीछा करते करते। तो इस वजह से हम एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। तो आप इनडायरेक्टली देख सकते हैं कि कितने नुकसान होते हैं वल्चर की पॉपुलेशन डिक्रीज होने से। तो इसमें और लास्ट में मैंने ऐड किया है कि वाइल्ड लाइफ को भारत में देखिए किस तरह से खतरा है, कि ऑब्वियसली वल्चर भी आपका वाइल्ड लाइफ में आती है। 8% जो है वर्ल्ड की जो बायोडाइवर्सिटी है वो भारत में पाई जाती है, 2% ऑफ द अर्थ सरफेस कवर करती है और 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में भारत जो है वो आता है। 1.75 मिलियन स्पीशीज ग्लोबली जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, बहुत सारे स्पीशीज जो इंडिया से रिपोर्ट किए जाते हैं। इसमें आपके फ्लावरिंग प्लांट्स, मैमल्स, फिश, बहुत सारे वाइल्ड स्पीशीज आते हैं। अल्टीमेटली ग्रेट नेचुरल सिस्टम जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है उतना ही ज़्यादा थ्रेट्स भी वाइल्ड लाइफ को यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। थ्रेट्स मेनली क्या रहते हैं आपके, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की फॉरेस्ट को हम क्लियर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जिस तरीके से बढ़ रहा है हम फॉरेस्ट लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, पोल्यूशन हो गया, उसके बाद पोचिंग हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे थ्रेट्स जो हैं वो एनिमल्स के लिए देखने के लिए मिलते हैं। इवन कि जो हम एग्जॉटिक स्पीशीज बाहर से स्पीशीज लाके इंट्रोड्यूस करते हैं और लॉज एंड पॉलिसीज जो हैं उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता तो भी वाइल्ड लाइफ को खतरा जो है वो बना पड़ा रहता है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन का। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। और देखिए ये है हमारा चैनल स्टडी आईक्यू। अगर आप यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यूपीएससी सीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो पेन ड्राइव कोर्स अवेलेबल है जहां पे 100% कवरेज आपको यूपीएससी वास्ट सिलेबस का मिलेगा। डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स मिलेंगे, सेल्फ पेस्ड लर्निंग है। ये जो कोर्स है ये टॉप फैकल्टीज़ द्वारा प्रिपेयर किया गया है और अब ये कोर्स आप प्रति महीना 625 रुपये लेके भी खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं, साइट पे नंबर्स दिए गए हुए हैं उन पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे वीडियो अपडेट्स के लिए, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। थैंक यू। कोई क्वेरी हो तो मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।